Hey guys, welcome to my channel. कैसे हो आप सभी लोग? I just hope आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. So guys, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा फेस पैक बताने जा रही हूँ, जो फेस पैक आप सिर्फ 3 चीजों की मदद से बना सकते हैं. क्योंकि guys, आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हर लड़की परेशान है कि वो पार्लर कैसे जाए, कैसे अपने फेस को ग्लोइंग बनाए, ब्राइटनिंग बनाए. तो ऐसे में मैं उन सभी लड़कियों के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए एक ऐसा फेस पैक लेके आई हूँ, होममेड फेस पैक, जिसे आप लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर की चीजों से. तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे मैंने ये पैक बनाया है, और आप लोग भी जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी उसी तरीके से आप लोगों ने भी इसे बनाना है. तो आइए देखते हैं. तो वो कौन सी चीजें हैं पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ. वो 3 चीजें. जो पहली चीज है वो है गुलाब, यानी कि गुलाब की जो फूल होता है उसे आप लोगों ने लेना है. अगर आप लोगों के घर पे गुलाब के फूल हैं तो आप लोग ले सकते हैं. दूसरी चीज जो है वो है एलोवेरा जेल, और तीसरी चीज जो है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी. इन 3 चीजों से आप लोगों ने ये फेस पैक बनाना है. और गाइस, अगर आप लोग इस फेस पैक को बनाते हैं ना, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस फेस पैक को लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, हमारी स्किन में एक बहुत अच्छा निखार आ जाता है. ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कौन सी महंगी सी फेशियल करा ली है. अगर आप लोग भी परेशान हैं आजकल लॉकडाउन के चलते हुए, आप लोग पार्लर नहीं जा पा रही हैं, तो आप लोग एक बार इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गुलाब की पत्तियां लेनी है कुछ. आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने आंगन में, जो हमारे आंगन में गुलाब का पेड़ हुआ था, वहीं से मैंने गुलाब लिए हुए हैं, और इनकी पत्तियों को मैं यहाँ पे निकाल लूंगी. अगर आप लोगों के घर पे गुलाब के पेड़ हैं तो आप लोग वहां से ले सकते हैं ओरिजिनल गुलाब की पत्तियां, अदरवाइज आप लोगों को मार्केट में मिल ही जाएगा. उसके बाद आपने सबसे पहले इस गुलाब की पत्तियों को ग्राइंड कर लेना है, बारीक पीस लेना है. आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है, ये ज्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा है, मीडियम, ज्यादा बारीक मैंने इसे नहीं पीसा है, मीडियम में पीसा हुआ है. अब मैं इसमें मिलाऊंगी एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल आप लोग चाहें तो ओरिजिनल भी ले सकते हैं अगर आपके घर पे है तो. जब आप उसे ओरिजिनल लेते हैं तो उसे भी आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं. मेरे पास एलोवेरा जेल पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ये एलोवेरा जेल डाल दिया है. और हमें इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है पहले. उसके बाद इसमें आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर मिला दूंगी. हल्दी पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. आधा चम्मच हल्दी पाउडर को मिलाने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी. और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये फेस पैक है वो बनके रेडी हो चुका है. तो चलिए अब मैं इसे अपने फेस पे लगाती हूँ. तो इस फेस पैक को लगाने से पहले गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था अच्छे से. वॉश करे मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे एक वाइप्स लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है डस्ट आजकल बहुत ज्यादा हो जाती है, मुंह पे एकदम से पसीना भी निकल रहा है क्योंकि गर्मी आ चुकी है. तो 5 से 10 मिनट मुझे वॉश किए हो गया था मुंह. इसके बाद मैंने अपना जो मेरे पास वाइप्स थे उसे मैंने यूज किया, और जो भी मेरे मुंह पे पसीना वगैरह होगा वो निकल जाएगा और मेरा फेस फिर से साफ हो जाएगा. तो गाइज, अब मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे, जो मैंने फेस पैक बनाया था उसे अपने फेस पे लगाऊंगी. अपनी फिंगर की मदद से ही लगाऊंगी, क्योंकि ब्रश की मदद से ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, इसीलिए फिंगर की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी. तो जब तक मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो भी मैंने इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डाले थे उनके बेनिफिट हमारी स्किन के लिए क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाब के बारे में. गुलाब के पत्तों का फेस पैक हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि एंटी ऑक्सीडेंट होता है. विटामिन सी स्किन सेल्स को टूटने से बचाता है, और इसका एंटी बैक्टीरियल तत्व पिंपल को भी कम करता है. जिन भी लोगों के मुंह में झाइयां, झुर्रियां, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और जो पिंपल्स के निशान रह जाते हैं वो गुलाब से बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. वहीं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं मैं, वो है एलोवेरा. एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग तत्व होता है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. एलोवेरा हमारी स्किन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे हमारी स्किन के टिश्यूज कम होते हैं और हमें जो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है. वहीं अगर मैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं हल्दी की, तो इसमें सबसे पहले तो हल्दी हर स्किन टाइप वालों के लिए अच्छी होती है. काफी सारे लोग सोचते हैं कि हल्दी हमारी स्किन को सूट नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है. हल्दी हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. हल्दी में विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. इसमें काफी सारे औषधीय गुण भी होते हैं
जो कि हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करते हैं और हमारी स्किन में जो भी डेड सेल्स हैं उन्हें ये बाहर निकाल देती है। आप लोगों ने देखा ही होगा हल्दी का यूज लोग शादी ब्याह में ज्यादा करते हैं, वो इसीलिए कि जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग लगे, ग्लोइंग दिखे, इसीलिए हल्दी का यूज किया जाता है। तो गाइज ये तो थी इन तीनों के बारे में कि कैसे ये तीनों चीजें हमारी हेल्दी रखते हैं, हमारी स्किन के लिए बेटर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फेस पैक लगा रही हूँ वो भी खत्म होने वाला है, और थोड़ा थोड़ा जो मेरा फेस पैक ज्यादा बच गया था तो मैं इस पे डबल कोट बोलते हैं ना जिसे दोबारा लगाना, उसे लगा रही हूँ ताकि मेरा ये वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं इसे स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ, ये खराब हो जाता है, इसीलिए मैं इसे दोबारा डबल कोट में अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो फाइनली गाइस मेरा फेस पैक लग चुका है और मुझे 30 मिनट तक इस फेस पैक को अपने फेस पे ऐसे ही लगा के रखना है। तो 30 मिनट तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन पे थोड़ा सा म्यूज़िक सुन रही हूँ क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस फेस पैक को लगा के मैं बाहर तो जा नहीं सकती थी और गर्मी भी हो रही थी, इसीलिए घर के अंदर ही मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ और देख रही हूँ। That we got going, you hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? तो गाइस 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ क्या रिजल्ट इस फेस पैक से हमें मिला। सो देख सकते हैं गाइस आप लोग, मैं अपना फेस क्लीन करके आ चुकी हूँ और बहुत ज्यादा हमारा फेस ब्राइटनिंग लग रहा है, काफी ज्यादा ग्लो भी लग रहा है, बहुत प्यारा नेचुरल जो लुक होता है वो हमारे फेस पे आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, एक बार आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारा फेस क्लियर, मतलब जो भी हमारे फेस में डस्ट है, जो भी हमारे टिश्यूज बंद हैं वो खुल जाते हैं, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा फेस ब्राइटनिंग हो जाता है। आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा गाइज, ये नेचुरली ग्लो जो होता है वो दिखाई दे रहा है हमारे फेस पे। तो बहुत अच्छा मुझे ये फेस पैक लगा, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग भी इस लॉकडाउन में चाहते हैं कि आप लोगों का फेस क्लियर क्लीन हो, आप लोग भी ब्राइटनिंग और ग्लोइंग अपने फेस को रखें, तो इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज देखा ना आप लोगों ने कितने इजी तरीके से मैंने इन तीन चीज़ों की मदद से ये फेस पैक बनाया, और आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से हमें ये फेस पैक लगाना है, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेरी नौटंकी भी देखी होगी क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों को जैसे बताया ही है कि 30 मिनट तक हमें इसे अपने फेस पे रखना पड़ता है और 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक हम बोर हो जाते हैं इसे लगा के। तो ऐसे में मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करूं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा थोड़ा बहुत नौटंकी कर रही हूं, तो उस चीज़ को आप लोग माइंड मत करना, बस इंजॉय, बस एंटरटेनमेंट के लिए मैंने वो चीज़ की और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बाकी गाइज अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ ये फेस पैक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग घर बैठे ही अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, अपने फेस से बहुत अच्छा निखार ला सकते हैं, तो आप लोग इस फेस पैक को जरूर यूज़ करें, आप लोगों को भी फायदा होगा। आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका है, लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से हमारा फेस ग्लो करता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आप लोगों के पास मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जिससे आप लोग मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।